नमस्ते बच्चों, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे। बच्चों, गर्मी के दिनों में बर्फ खाना किसको किसको अच्छा लगता है? हाँ, ठीक बोले, सभी खाते हो ना, बड़ा मजा आता है ना। अच्छा बताओ, बर्फ किससे बनता है? ठीक बोले, पानी से। पानी से और क्या क्या बनता है? शरबत, बर्फ गोला, आइसक्रीम। बिल्कुल ठीक। हाँ तो बच्चों, आज हम पाठ 9 पानी की खासियत के बारे में जानेंगे। पानी की कई खूबियां हैं। पानी अपने में कुछ चीजों को घोल लेता है, जैसे नमक, शक्कर। पानी अपने में कुछ चीजों को नहीं घोलता, जैसे रेत, पत्थर के टुकड़े। पानी में कुछ चीजें तैरती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, वर्गाकार बर्फ, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक गेंद, कागज की नाव। बच्चों, आप लोग को नाव बनानी आती है ना, चला के देखिएगा। पानी में कुछ चीजें डूब जाती है, जैसे लोहे की सांकल, लोहे का ताला, चाबी और पत्थर। अच्छा बताओ बच्चों, क्या पानी में कोई गंध होती है? क्या पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं, पानी में कोई गंध और स्वाद नहीं होता, अर्थात पानी गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसके अलावा भी पानी की एक और खूबी होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, जैसे रंगहीन। कहाँ गया पानी? एक कटोरी में एक चम्मच पानी डालकर तेज धूप में रख दो। कटोरी को 5 घंटे बाद देखो, अरे कटोरी का पानी तो गायब हो गया। बच्चों, कटोरी का पानी धूप में वाष्पित हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया। कुल्फी में पानी। कुल्फी किससे और कैसे बनती है? कुल्फी किससे बनती है बच्चों? पानी, दूध पाउडर, शक्कर, एसेंस, बादाम और पिस्ता। कुल्फी कैसे बनती है? 2 कप पानी, 1 कप दूध पाउडर और 1 कप शक्कर एक बड़ी कटोरी में डालकर फेंटे। फिर खुशबू वाले पदार्थ एसेंस की 2-3 बूंदें डालकर फ्रीजर में रख दें। 4 घंटे बाद निकालकर एक बार फिर से फेंट लें। बादाम व पिस्ता मिलाकर फ्रीजर में रख दें। 4 घंटे बाद देखिए, लीजिए, तैयार हो गई आपके लिए कुल्फी। कौन घुला और कौन नहीं? शरबत बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 2 छोटा चम्मच शक्कर घोलते हैं और 4-6 बूंद नींबू का रस निचोड़ देते हैं, जिससे शरबत बन जाता है। फलों का भी शरबत बना सकते हैं। फलों का रस निकालकर 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, आपको उस फल का स्वाद आ जाएगा, जैसे तरबूज का शरबत, बेल का शरबत। अच्छा बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन कौन सी चीजें पानी में घुलेगी और कौन सी नहीं? घुलने वाली और ना घुलने वाली चीजों को अपने अनुमान के आधार पर नीचे दी गई तालिका में भरिए। इसके लिए आपको 5 खंड बनाना है। पहले खंड में चीजों का नाम, दूसरा अनुमान, तीसरा खंड घुला या घुली, चौथा खंड नहीं घुला घुली, 5वां खंड अनुमान सही या गलत,
जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रही हूं, शक्कर, हमको अनुमान लगाना है कि एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर घुलेगी कि नहीं घुलेगी। तो मैं अनुमान लगा रही हूं कि घुलेगी। अब आपको घोल के देखना है, शक्कर घुल गई तो मेरा अनुमान क्या हुआ? सही। इसी तरीके से कागज, चॉक, पेंसिल, रबर, कंचे, मोम, सोडा, हल्दी, आटा, चूना, मिट्टी, रेत और खाद को आपको अनुमान लगाना है और घोल के देखना है, और आप जो अनुमान लगाए थे वो सही है या गलत अंतिम खंड में लिखना है। तालिका बनाने के लिए हमको प्रयोग क्रमांक एक करना है। तालिका में दी गई वस्तुएं हैं शक्कर, कागज, चॉक, पेंसिल, रबर, मोम, कांच की गोली, सोडा, हल्दी, आटा, चूना, मिट्टी, रेत और खाद, और एक बीकर में पानी और चम्मच लेना है। सबसे पहले हम अनुमान लगाएंगे कि शक्कर घुलेगी कि नहीं। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि शक्कर घुलेगी। अब शक्कर घुलेगी कि नहीं घुलेगी ये देखने के लिए आधे बीकर पानी में मैं एक चम्मच शक्कर डालूंगी और हिलाऊंगी। शक्कर घुल गई, फिर दूसरा चम्मच शक्कर डालूंगी, घोलूंगी, शक्कर धीरे धीरे घुल रही है। इसी तरीके से हम बारी बारी से सभी वस्तुओं को घोल कर देखेंगे, अनुमान लगाएंगे, फिर घोल के देखेंगे घुल रही है कि नहीं घुल रही, और जो हम अनुमान लगाए थे वो सही है या गलत। प्रयोग क्रमांक दो। प्रयोग क्रमांक दो को करने के लिए चार कटोरी लेंगे, दो कटोरी में बराबर पानी भर के रखेंगे, एक कटोरी में नमक और दूसरी कटोरी में शक्कर भरेंगे और चम्मच लेंगे। पहली कटोरी में एक चम्मच शक्कर डाल के घोलेंगे। दूसरी कटोरी में एक चम्मच नमक डाल के घोलेंगे। फिर पहली कटोरी में एक चम्मच और शक्कर डालेंगे, दूसरी कटोरी में एक चम्मच और नमक डालेंगे, घोलेंगे। इसी तरह जब तक नमक और शक्कर घुलता रहेगा हम घोलेंगे। फिर देखते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि नमक और शक्कर नहीं घुलते। अच्छा तो बच्चों बताइए, शक्कर की कितनी चम्मच घुली, नमक की कितनी चम्मच घुली और कौन सबसे ज्यादा घुला? आप ये गिनकर लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसी तरह से पानी को गर्म करने पर शक्कर या नमक में से कौन ज्यादा घुलता है ये भी करके देख सकते हैं। हलवाई पकवान बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाना आता है बच्चों? चाशनी कैसे बनता है पता लगाइए। कौन तैरा और कौन डूबा? आकांक्षा ने सोचा, चलो देखती हूं और कौन सी चीजें तैरती है और कौन सी डूबती है। बच्चों कौन तैरा कौन डूबा
इसको हम प्रयोग करके देखेंगे। पेंसिल और चाबी लेंगे और दो बीकर में पानी लेंगे। पहले बीकर में पेंसिल डाल के देखते हैं। ये पेंसिल को डुबाने पे भी पेंसिल डूब नहीं रही है। अब दूसरे बीकर में चाबी डाल के देखेंगे, चाबी डूब गई। प्रयोग तीन, पानी से भरा ट्रफ लीजिए। अब बारी बारी से इसमें चीजें डालकर देखिए कि कौन सी चीजें पानी में डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं। ये चीजें हैं पेंसिल, रबर, कांच की गोली, स्केल, पत्थर, मोम, स्टील की कटोरी, प्लास्टिक का मग, चाबी। अब आप तालिका बनाइए। तालिका में पांच खंड बनाइए। पहले खंड में चीजों के नाम, दूसरा अनुमान लगाना, तीसरा पानी में तैरता या तैरती है, अगले खंड में डूब जाता जाती है और अंतिम खंड में अनुमान सही या गलत। अब आपको करके देखना है। जैसे मैंने यहां पर पेंसिल के लिए लिखी, मैं अनुमान लगाई तैरती है। अब पानी में तैरा के देखी तो वो तैर रही है, नहीं डूबी, तो मेरा अनुमान क्या हुआ? सही। इसी तरीके से आप लोग को भी वस्तुओं के बारे में अनुमान लगाना है और ये तालिका को भरना है। अंडा डूबा भी और तैरा भी। इसको करने के लिए हम दो बीकर लेंगे। एक बीकर में सादा पानी भरेंगे और दूसरे बीकर में नमक पानी लेंगे और एक अंडा लेंगे। पहले सादा पानी में अंडा को धीरे धीरे डुबाएंगे। देखिए अंडा डूब गया। अब अंडा को नमक पानी में डुबाएंगे। देखिए अंडा तैर रहा है। आप सब भी अपने घर में करके देखेगा। तो बच्चों, अंडा डूबा भी और तैरा भी। मृत सागर एक ऐसा समुद्र है जिसमें खूब सारा नमक घुला है। इसमें यदि कोई गिर जाए तो भी डूबेगा नहीं, इसलिए इस समुद्र को मृत सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए चित्र में लिखा भी है ना, मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। अच्छा बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा पानी की खूबियां, कुल्फी और शरबत बनाना, पानी में घुलने और नहीं घुलने वाली चीजों के नाम, पानी में तैरने और डूबने वाली चीजों का नाम, अंडा डूबता है और तैरता भी है, मृत सागर की जानकारी। अच्छा बच्चों, अभी अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। प्रश्न पहला, पानी जैसे बहने वाली चीजों के नाम लिखिए। उत्तर, पानी जैसी बहने वाली चीजों के नाम, तेल, दूध। प्रश्न दो, पानी की खूबियां लिखिए। उत्तर, पानी की खूबियां गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है। प्रश्न तीसरा, पानी में नहीं घुलने वाली चीजों के नाम लिखिए। उत्तर,
पानी में नहीं घुलने वाली चीजों के नाम कागज, मोम आदि। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग को गृह कार्य दे रही हूं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, फिर इसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न पहला, मृत सागर की क्या विशेषता है? प्रश्न दो, मिलान करिए। दो खंड बना लीजिए, पहले खंड में एक के नीचे एक लिखना है। चाशनी, स्लेट, अंडा तैरता है, नमक, प्लास्टिक की गुड़िया। दूसरे खंड में लिखिए, पानी में घुल जाता है, अधिक नमक घुला होने से। फिर तीसरा लाइन में, पानी में तैरती है। अगले लाइन में, पानी में डूब जाती है। फिर अंतिम में, अधिक शक्कर युक्त घोल। आप जो सही उत्तर है उसको मिलान करके आप लिखिएगा। धन्यवाद।